साल 1975 में रिलीज हुई क्लासिक फिल्म शोले तो आपने देखी ही होगी, जिसमें अभिनेता धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने जय और वीरू का किरदार बखूबी निभाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। वहीं खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि जल्दी इस फिल्म के सीक्वल के साथ डायरेक्टर रमेश सिप्पी बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। जी हाँ, शोले 3D के निर्माता शोले 2 के स्क्रिप्ट लिखने में बिजी हैं। ऐसे में इस फिल्म के बारे में जानने के बाद बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने इस अपकमिंग फिल्म पर अपना जबरदस्त रिएक्शन जारी किया, जिसे सुनकर खुद रमेश सिप्पी हैरानी में पड़ जाए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मिथुन ने ऐसा क्या रिएक्शन दिया है इस शानदार अपकमिंग मूवी पर। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही शोले 2 के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 1975 की क्लासिक फिल्म शोले का दूसरा भाग बहुत जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाला है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक शोले 3D के निर्माता रमेश सिप्पी, साशा सिप्पी और शान उत्तम सिंह के साथ वितरक जयंतीलाल गदा भी स्क्रिप्ट लिखने में व्यस्त हैं और पहले से भी अच्छा बनाने के लिए इस बार शोले 2 पर गंभीर विचार कर रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस के करीबी एक सूत्र ने खुलासा किया कि फिल्म की रिकॉल वैल्यू इतनी मजबूत है कि आसानी से एक फ्रेंचाइजी में परिवर्तित हो सकती है, जहाँ जय और वीरू नए मुद्दों का पता लगा सकते हैं और समस्याओं को हल कर सकते हैं। निर्माताओं को अब तक 2 स्क्रिप्ट मिल चुकी है, एक प्रीक्वल के लिए मूल और दूसरा एक अगली कड़ी के लिए। सूत्र कहते हैं कि प्रीक्वल जय और वीरू के निर्माण में चला जाएगा, जबकि अगली कड़ी उनके पलायन के बारे में होगी। हालांकि निर्माताओं को अभी तक दोनों स्क्रिप्ट को पढ़ना और ये तय करना है कि उन्हें और भी अधिक दिलचस्प कैसे किया जाए। फिल्म के बारे में पूछताछ करने पर गदा ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि हमें स्क्रिप्ट मिली है और हमें विश्वास है कि शोले में बहुत अधिक इक्विटी है, हम इसे जल्द ही एक फ्रेंचाइजी में बदलने पर विचार करेंगे। वह 38 साल बाद भी ये फिल्म दर्शकों के दिमाग में ताजा है, मतलब आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म उस वक्त कैसे फिल्म रही होगी। तभी तो रमेश सिप्पी ने फिल्म का रीमेक बनाने की योजना बनाई। आपको बता दें कि इस फिल्म में जय और वीरू के किरदार में बॉलीवुड के 2 मशहूर खान यानी कि सलमान खान और शाहरुख खान नजर आने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अपकमिंग मूवी पर मिथुन चक्रवर्ती द्वारा जारी किए रिएक्शन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये मूवी सुपरहिट जाएगी, क्योंकि इस फिल्म में 2 किंग खान हैं, एक शाहरुख खान और दूसरे सलमान खान, और खान जिस फिल्म में होते हैं वो फिल्म सुपरहिट हो जाती है। वैसे भी इन दोनों को एक साथ एक फिल्म में देखना भला किसे अच्छा नहीं लगेगा। दर्शकों के इसी ख्वाब को सच करने के लिए ये दोनों कई सालों बाद एक बार फिर साथ आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र स्टारर फिल्म शोले 2 दोस्तों की कहानी है, जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। खासकर इसके गाने काफी शानदार थे। ऐसे में अगर शाहरुख और सलमान इस फिल्म के लिए तैयार हो जाए तो कोई शक नहीं ये फिल्म काफी धमाकेदार होगी। खासकर फैंस तो क्रेजी हो ही जाएंगे। मिथुन के इस तरह के कमेंट को सुन डायरेक्टर सहित राइटर और प्रोड्यूसर भी बेहद खुश हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजेश द्वारा बनाई जा रही इस फिल्म को कंप्लीट होने में काफी समय लगेगा। हो सकता है ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हो। वेल, तो फिल्म शोले 2 में अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।